बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 48 जी, लेक्चर नंबर 40 में आज हम देखेंगे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। ठीक है जी। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हमारे पास क्या होती है? अमेज़ॉन सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस और SNS भी बोलते हैं इसको, इज़ अ वेब सर्विस डेट मेक्स इट ईजी टू सेटअप, ऑपरेट एंड सेंड नोटिफिकेशन फ्राम द क्लाउड। ठीक है जी। तो आप क्लाउड के ऊपर से जब कोई नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं, कोई मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, या कोई ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, या कोई HTTP को नोटिफिकेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप क्लाउड के ऊपर वाया SNS सर्विस कर सकते हैं। ठीक है। इट प्रोवाइड्स डेवलपर्स विद अ हाईली स्केलेबल, फ्लेक्सिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कैपेबिलिटी टू पुश मैसेजेस फ्रॉम एन एप्लीकेशन। अच्छा, मोस्टली ये डिवेलपर्स भी यूज़ कर रहे हैं। जब वो कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब ये टास्क कंप्लीट हो, साथ ही एक नोटिफिकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। ठीक है जी। तो ये डेवलपर्स मोस्टली कर रहे होते हैं, या जिस तरह रियल टाइम एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने अभी 2-3 लेक्चर्स पहले मैंने आपको क्लाउड वॉच पढ़ाया था, तो क्लाउड वॉच के ऊपर हमने SNS एक टॉपिक कन्फिगर किया था। आपको याद हो, हम अलार्म क्रिएट करते थे और अलार्म क्रिएट करने के बाद हम कहते थे कि हमें एक ईमेल अलर्ट जो है वो रिसीव होना चाहिए। तो ईमेल अलर्ट हमें कब रिसीव, कैसे रिसीव होता था, वो किस सर्विस के थ्रू रिसीव हो रहा होता था? SNS के थ्रू। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको कहा था कि SNS टॉपिक में आगे कमिंग लेक्चर में बताऊंगा, फिलहाल इसको समझ लें SNS वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो SNS बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक सिंपल नोटिफिकेशन एक ईमेल सेंड कर देता है। आप मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं किसी भी नंबर पर, ठीक है, वो आप कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ईमेल कर सकते हैं, और फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ क्या कुछ कर सकते हैं। पुश मैसेजेस सेंड कर सकते हैं टू मोबाइल डिवाइसेस। SNS अलाउज यू टू ग्रुप मल्टीपल रेसिपिएंट्स यूजिंग टॉपिक्स। आप करते क्या हैं, आप एक टॉपिक क्रिएट करते हैं SNS सर्विस के अंदर, उस टॉपिक के अंदर आप सब्सक्राइबर्स ऐड करते हैं। जो जो सब्सक्राइबर्स इस टॉपिक को सब्सक्राइब करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आज के केस में हम एक ईमेल टॉपिक क्रिएट करेंगे, ईमेल के ऊपर जो है वो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। मैं एक टॉपिक क्रिएट करता हूं और टॉपिक के अंदर मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर लेता हूं। जब मैं एक ईमेल एड्रेस ऐड करूंगा तो होगा क्या, बेसिकली मेरे ईमेल पे एक ईमेल आएगी फ्रॉम SNS अमेज़ॉन की तरफ से कि आप इस टॉपिक को सब्सक्राइब करना चाहते हैं या नहीं। अगर मैं कंफर्म कर दूंगा सब्सक्रिप्शन तो मेरा क्या होगा, वो टॉपिक को मैं सब्सक्राइब कर लूँगा। ठीक है। जितने भी रेसिपिएंट उसमें मैं ऐड करूँगा वो फर्स्ट टाइम सारे उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मैं उस टॉपिक के ऊपर कोई ईमेल सेंड करूंगा या कोई मैसेज सेंड करूंगा तो उस टॉपिक के अंदर जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उन सबको वो सेम नोटिफिकेशन रिसीव होगा। ठीक है जी। वन टॉपिक कैन सपोर्ट डिलीवरीज टू मल्टीपल एंड पॉइंट टाइप्स। एंड पॉइंट आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कोई मोबाइल डिवाइसेस हो गए, कोई मोबाइल मैसेजेस हो गए, या कोई HTTP हो गई, या ईमेल सर्विसेज हो गई। ठीक है, वो अभी हम जाके देखते हैं उसको अगले लैब में। व्हेन यू पब्लिश वंस टू अ टॉपिक SNS डिलीवरीज एप्रोप्रिएटली फॉर्मेटेड कॉपीज ऑफ योर मैसेज टू ईच सब्सक्राइबर। जब आप पब्लिश करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर अपना मैसेज पब्लिश करते हैं, नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक में जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे तो SNS क्या करता है, उसको सेम फॉर्मेटेड कॉपीज ऑफ योर मैसेज टू ईच हर सब्सक्राइबर को सेम कॉपी जो है वो डिलीवर करता है। ठीक है। तो अच्छा, टॉपिक नेम जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ये एक डायग्राम है, ठीक है जी, नेट से ही मैंने पिक की है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ हमारे पास क्या है जी, ये पब्लिशर है और यहाँ पर ये अमेज़ॉन SNS है। इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टॉपिक क्रिएट करेंगे SNS टॉपिक। उस टॉपिक के अंदर अब सब्सक्राइबर्स होंगे आपके, वो सब्सक्राइबर्स आपके लैम्डा में भी हो सकते हैं, SQS फॉर्म में भी हो सकते हैं, HTTPS फॉर्म में भी हो सकते हैं, ईमेल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और SMS की फॉर्म में भी सब्सक्राइबर हो सकते हैं। ठीक है। हम आज के केस में क्या करेंगे, SNS टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और हम वो SNS टॉपिक के अंदर रेसिपिएंट्स कौन से ऐड करेंगे, ईमेल प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज़ कर रहे होंगे, ये ईमेल का प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। फिर हम एक टॉपिक क्रिएट करके जब उस टॉपिक पर कोई चीज़ पब्लिश करेंगे तो वो उसके अंदर रेसिपिएंट कौन से होंगे, ईमेल वाले होंगे, तो उस ईमेल पर क्या होगा, हमें एक ईमेल रिसीव होगी जो भी हम पब्लिश करेंगे। प्राइसिंग इज एज बिलो जी। प्राइसिंग क्या है, हमारे पास मोबाइल पुश नोटिफिकेशंस हैं वो पर मिलियन डॉलर हाफ डॉलर है। ठीक है। ईमेल नोटिफिकेशंस जो है वो 100,000 जो है वो अगर आप ईमेल नोटिफिकेशंस करते हैं तो आपको $2 डिडक्शन होगी। ठीक है। फर्दर आप डिटेल में प्राइसिंग चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर जाके इस लिंक पर जाके चेक कर सकते हैं।
तो चलते हैं अपने लैब की तरफ। ये कोई लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है आज का। तो अच्छा जी, ये हमारे पास SNS डैशबोर्ड आ गया। सर्विसेज में जाएंगे आप। सर्विसेज में जाने के बाद आप क्या करेंगे जी, स्क्रॉल डाउन करें यहाँ पर और एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में आ जाएं। एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में ये आपको शो हो रहा है सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस को। SNS डैशबोर्ड आ गया, टॉपिक्स आ गए, एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शन, टेक्स्ट मैसेजेस। SNS डैशबोर्ड में आप यहाँ देख सकते हैं आप क्या कर रहे हैं। टॉपिक क्रिएट करना है कोई, ठीक है। कैसे क्रिएट करते हैं मैं बताता हूँ। कोई प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करनी है या कोई आपने सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है, सब्सक्रिप्शन क्रिएट करनी है, पब्लिश मैसेज पब्लिश करना है या कोई SMS क्रिएट करना है, SMS सेंड करना है, सॉरी, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्रिएट टॉपिक टॉपिक क्रिएट करते हैं। क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करें आप, और क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद एक सेकेंड जी, मैं इसको बंद कर दूं। अच्छा, क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करने के बाद टॉपिक नेम विल बी यूज्ड टू क्रिएट अ परमानेंट यूनिक आइडेंटिफायर कार्ड एंड अमेजोन रिसोर्स नेम। ये एक अमेज़ॉन रिसोर्स नेम क्रिएट कर देगा और ये क्या होगा, यूनिक होना चाहिए आपका, ठीक है। टॉपिक नेम मैं कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल टेस्ट नोटिफिकेशन हम कर लेते हैं। टेस्ट नोटिफिकेशन कर लिया। डिस्प्ले नेम यहाँ पे आप कर लें, मैं वेब टेस्ट या वेबसाइट टेस्ट कुछ भी आप कर लें, वेब टेस्ट कह लेते हैं, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हम टेस्टिंग कर रहे हैं। टॉपिक क्रिएट कर लिया, ये देखें सिंपल टॉपिक क्रिएट हो गया। अब टॉपिक क्रिएट होने के बाद एक सेकंड, मैं विंडो ज़रा एडजस्ट कर लूँ। अच्छा जी, टॉपिक क्रिएट होने के बाद अब आप इस टॉपिक पे पब्लिश करना चाह रहे हैं, आपको टॉपिक अभी शो नहीं हो रहा, तो कैसे शो होगा। टॉपिक पे क्लिक करें और ये देखें आपको टॉपिक शो हो गया, जो अभी हमने टॉपिक क्रिएट किया है, टेस्ट नोटिफिकेशन, और ये उसका क्या जी, ARN नंबर। अब टेस्ट नोटिफिकेशन क्रिएट न्यू टॉपिक करना चाह रहे हैं, यहाँ से न्यू टॉपिक सेलेक्ट कर लें, या आप इसी को सेलेक्ट करके एक्शंस में जाके फर्दर सेटिंग्स देखना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें, वो मैं भी आपको चलें पहले ये बता देता हूँ। ऐड टॉपिक, डिस्प्ले नेम आप ऐड करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइब टू टॉपिक, इस टॉपिक पर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। इस टॉपिक पर जब सब्सक्राइब करेंगे तो मीन्स, चलें ये देख लेते हैं, सब्सक्राइब टू टॉपिक, ये देखें ये टॉपिक ARN प्रोटोकॉल। अब कौन सा प्रोटोकॉल आप इस टॉपिक पे सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, HTTP, HTTPS, ईमेल, ईमेल JSON, और ये फर्दर एप्लीकेशन लैम्डा वगैरह, SMS वगैरह, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल का प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई ईमेल अपना सेंड कर दे, सब्सक्राइब कर देता हूँ। मैं कहता हूँ चलें इसी को कर लेते हैं। ये एक मेरा ईमेल है पुराना बना हुआ, लेट्स सी, पता नहीं वर्क कर रहा है। क्रिएट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अ कन्फर्मेशन मैसेज विल बी सेंड टू दिस। अब उस ईमेल पे मुझे क्या चला गया, एक मैसेज चला गया होगा। अब वो मुझे मैसेज अगर रिसीव होगा, उसके अंदर कन्फर्मेशन ईमेल होगी, वो मैं कन्फर्म करूँगा, तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस टॉपिक पे सब्सक्राइब हो जाऊँगा। इस टॉपिक को ओपन करें, ये देखें यहाँ पे क्लिक करें आप, तो ये आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये शो कर रहा है टॉपिक ARN, ये है टॉपिक ऑनर, दिस ID है, रीजन इसमें है, डिस्प्ले नेम ये टॉपिक का नेम है, और ये पेंडिंग कन्फर्मेशन आ रहा है, ठीक है। पेंडिंग कन्फर्मेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी तक क्या किया है, इसको जो ईमेल, ये देखें मैंने ईमेल यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये ईमेल क्या हो रहा है, अभी तक शो नहीं हो रहा, और सॉरी कन्फर्म नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें ये एक ईमेल मैंने किया है, मैं ट्राई करता हूँ इसको कन्फर्म करने की। लेट मी कन्फर्म, मैंने दूसरे लैपटॉप के ऊपर ओपन किया हुआ है अपना ईमेल एड्रेस, और उसमें मैं ज़रा जाके करता हूँ। ये मुझे एक ईमेल आई हुई है और वो कह रहा है कि यू हैव चूजन टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक, इफ़ यू वांट दिस देन कंफर्म सब्सक्रिप्शन। ये मैंने कंफर्म कर दिया है, और कंफर्म करने के बाद अभी मैं यहाँ पे आपके सामने रिफ़्रेश करूँगा, तो ये पेंडिंग कन्फर्मेशन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, कन्फर्म हो जाना चाहिए। ये देखें कन्फर्म हो गया, मैंने रिफ़्रेश किया और ये क्या हो गया जी, सब्सक्रिप्शन ID मेरा क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। मैंने दूसरी विंडो से जो है वो क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया। अभी मैं आपके सामने वो ईमेल ओपन नहीं कर सकता था यहाँ पर, तो ये हो गया जी, मेरे पास सब्सक्रिप्शन हो गई। अब इस टॉपिक पे जाते हैं, टॉपिक क्या है मेरा, टेस्ट नोटिफिकेशन। इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और एक्शन में गया और सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक। आप फर्दर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं कोई और ईमेल एड्रेस, आप सिंपल ये टॉपिक सेलेक्ट हो गया, HTTP करना चाह रहे हैं, मैं ईमेल करना चाह रहा हूँ। HTTP जो है वो मोस्टली HTTPS ये डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो अभी ईमेल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पर कोई और एक ईमेल एड्रेस एंटर कर दूंगा।
क्रिएट सब्सक्रिप्शन करूँगा, जितने भी मैं ईमेल ऐड करना चाह रहा हूँ वो सारे इस एआरएन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो सारे ऐड अप हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा फर्दर बैक करें, टॉपिक्स में जाएं, आप इस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं फर्दर इसमें क्या, कंफर्म अ सब्सक्रिप्शन, एडिट टॉपिक पॉलिसी आप ऐड करना चाह रहे हैं, टॉपिक पॉलिसी में हम क्या ऐड कर सकते हैं जी, देख लेते हैं। ये टॉपिक किसने क्रिएट किया, मैंने क्रिएट किया, टॉपिक ओनर कौन हूँ, मैं हूँ। अलाउ दिस यूजर्स टू पब्लिश मैसेज टू दिस टॉपिक, कि इस टॉपिक के ऊपर कौन कौन पब्लिश मैसेज पब्लिश कर सके, ओनली मी, मैं कर सकूँ जो इस टॉपिक का ऑनर है, या एवरीवन, एवरीवन्स मीन अगर मैंने IAM के थ्रू, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू इसमें यूज़र्स काफ़ी सारे क्रिएट किए हुए हैं अपने AWS ID के अंदर, तो वो सारे सेंड कर सकें, या ओनली दीज AWS यूज़र्स, या मैं स्पेसिफिक यूज़र्स ऐड कर दूँ। ठीक है जी। ओनली दीज यूज़र्स टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर सब्सक्राइब कौन कर सके, सिर्फ मैं कर सकूँ, मैं सब्सक्राइब करवा सकूँ, या एवरीवन, या दूसरे यूज़र्स। ठीक है जी। पॉलिसी यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। फर्दर इसमें क्या एक्शंस हैं जी, एडिट टॉपिक, डिलीवरी पॉलिसी, अच्छा अप्लाई दीज HTTP डिलीवरी पॉलिसीज, दिस ये थोड़ा सा डेवलपर साइट के, और इतना डिटेल में भी जाना भी नहीं है, जस्ट इसलिए इस कोर्स में जो है वो जस्ट कॉन्सेप्ट है। डिलीवरी स्टेटस क्या है हमारे पास, डिलीवरी स्टेटस पे चेक करते हैं, ये भी हमारे पास जो है वो डिवेलपर साइट से रिलेटेड ऑप्शंस है, और कुछ थोड़ा डिटेल में भी, एक्चुअली इतना डिटेल में हमने जाना नहीं है अभी। आप इस टॉपिक को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप एक्शन सेलेक्ट करें और डिलीट टॉपिक, डिलीट टॉपिक करेंगे वो टॉपिक क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ, टॉपिक मैंने क्रिएट कर लिया, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन भी मैंने ऐड कर ली, अब आप पब्लिश करेंगे, पब्लिश टू दिस टॉपिक, तो ये आप देख सकते हैं टॉपिक कौन सा है जी मेरा, ये वाला टॉपिक है टेस्ट नोटिफिकेशन जो कि अभी मैंने बनाया है। Amazon SNS enables you to publish notifications to all the subscriptions associated with the topic as well as to an individual endpoint associated with the platform application. तो वो कह रहे हैं कि SNS जो है वो नोटिफिकेशन को पब्लिश करेगा जो इस टॉपिक के अंदर जितने भी सब्सक्राइबर्स एसोसिएट हुए होंगे इसके साथ। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ UITA test SNS। ठीक है, आप कुछ भी नेम रख लें, यहाँ पे भी कह देते हैं जी दिस इज़ आवर फर्स्ट SNS नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक हो गया। स्क्रॉल डाउन करें इसको, मैं अपना ईमेल ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों को मैं दिखा भी सकूँ। अच्छा, दिस इज़ आवर फर्स्ट नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक है जी। और ये जेसन वगैरह आप करना चाह रहे हैं, ये थोड़ा लैंग्वेज में आ जाता है, हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे उस तरफ। और यहाँ पे टाइम टू लिव आप रखना चाह रहे हैं, रख लें जी, मैं 5 मिनट का टाइम टू लिव रख लेता हूँ। ठीक है। मैसेज एट्रीब्यूट्स अभी बाकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट रहने दें, और यहाँ पर आप पब्लिश मैसेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है। पब्लिश मैसेज पर अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मेरे पास ये देखें कुछ भी नहीं है, मेरे पास एक ईमेल आई थी अभी 2 मिनट पहले, ये देखें 5 मिनट पहले जब मैंने सब्सक्राइब किया था, You have chosen to subscribe to this topic. मैंने यहाँ पे confirm किया था और ये क्या हो गया था, confirm हो गया था। ठीक है। अभी वापस चलते हैं और देखते हैं कि मुझे दोबारा से जो है वो ईमेल आती है या नहीं आती। पब्लिश मैसेज करते हैं, मैसेज पब्लिश विद रिक्वेस्ट ID दिस। ठीक हो गया। मैसेज क्या हो गया जी, पब्लिश हो गया इस टॉपिक के ऊपर। अभी मुझे यहाँ पर एक ईमेल आनी चाहिए। अच्छा चलें, ये अभी आ जाएगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इतनी देर में हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, टॉपिक किस तरह से क्रिएट करते हैं, न्यू टॉपिक क्रिएट करना है, उसके अंदर सब्सक्रिप्शन ऐड करनी है वो कर लें, या आप अलग से सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। आप सब्सक्रिप्शन में जाएँ, सब्सक्रिप्शन में जाएँ। अच्छा, ये आपको शो हो रही है, एक्चुअली मैं पुरानी सब्सक्राइब करता रहा हूँ, कुछ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहा था, तो ये अभी डिलीट नहीं हुई। वो कहते हैं ये डिलीट कब होंगे, ये आफ्टर 3 डेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती होती हैं। ठीक है जी। आपने घबराना नहीं है, क्लियर, डिलीट क्यों नहीं हो रही। और नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आप करना चाह रहे हैं, क्रिएट सब्सक्रिप्शन ऐड, ये मुझे आ गई है वेब टेस्ट। ठीक है, ये देखें, ये ईमेल आई है और 1 मिनट अगो, और इसमें लिखा हुआ दिस इज़ आवर फर्स्ट SNS नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक है। और UITA टेस्ट SNS जो अभी हमने टॉपिक का नेम रखा था,
तो अच्छा, ये हमारी टेस्ट होगी। अब ये आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप अपने जब हम क्लाउड वॉच कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं वहाँ पे आप SNS यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं, या जब आप अलार्म्स क्रिएट कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये थ्रेशर्ड वगैरह सेट करते हैं और आप कहते हैं जब मेरा थ्रेशर्ड ब्रीच कर जाए तो मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाए और साथ ही मेरा एक ऑटो स्केलिंग के थ्रू एक सर्वर अप हो जाए, उसके लिए नोटिफिकेशन आप करना चाह रहे हैं, या किसी और सर्विस में आप अमेज़ोन में काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनमें हम SNS को यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी आप क्रिएट सब्सक्रिप्शन अलग से अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? यहाँ पे टॉपिक ARN देंगे, अभी मेरा एक ही टॉपिक है, ये ARN है उसका, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और HTTP कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ जी ईमेल यूज़ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई और सब्सक्राइबर अगर मैं चलें ये भी कर लेते हैं, ज़रा इसको मैं करना चाह रहा हूँ लेट्स टॉपिक डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, वो कह रहा है ये टॉपिक एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं क्या करूँगा टॉपिक्स में जाऊँगा, ये मेरा टॉपिक है अभी इस वक्त, इसका मैं क्या करूँगा यहाँ से ARN नंबर कॉपी करूँगा। आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक, या आप अलग से सब्सक्रिप्शन में जाके क्रिएट सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे मैंने टॉपिक टॉपिक अपना कॉपी किया, टॉपिक ARN कॉपी किया, और मैं कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना चाह रहा हूँ ईमेल प्रोटोकॉल, और यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करता हूँ, ठीक है, ये क्रिएट सब्सक्रिप्शन हो गई। अब वो कहते हैं जी या कन्फर्मेशन मैसेज हैज़ बीन सेंड, ठीक है, ये देखें आपको शो हो रहा है पेंडिंग कन्फर्मेशन, ये एक आया हुआ है, ये मैंने आई थिंक, अच्छा ये मेरा वो दूसरा है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कन्फर्म किया था। अब आप दोबारा टॉपिक्स में जाएँ, और ये अगर मैं टॉपिक में जाऊँ यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको ये नीचे शो होगा, ये देखें मुझे ईमेल भी आ गई है, और ईमेल में वो कह रहा है यू हैव चूजन टू सब्सक्राइब टू दिस टॉपिक। मैं कहता हूँ कन्फर्म सब्सक्रिप्शन, कन्फर्म सब्सक्रिप्शन करूँगा, और ये देखें जी सब्सक्रिप्शन कन्फर्म्ड हो गई है मेरी। अब यहाँ पे ये देखें अभी तक आपको क्या आ रहा है, पेंडिंग कन्फर्मेशन। इस टॉपिक के अंदर मैंने एक और सब्सक्रिप्शन की है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, और ये देखें वो भी क्या हो गया, कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब जब मैं दोबारा क्या करूँगा, पब्लिश टू दिस टॉपिक, मैं दोबारा टॉपिक्स में गया, ये मेरा एक टॉपिक बना हुआ टेस्ट नोटिफिकेशन, आप इधर फर्दर मज़ीद टॉपिक्स कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट करूंगा और पब्लिश टू नोटिफिकेशन पब्लिश करूंगा जब मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगा। अच्छा, ये एक नोटिफ एरर आ रहा है, ये पुराना टॉपिक है वो डिलीट हुआ, उसका एरर शो कर रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, सब्जेक्ट कोई भी ऐड करूंगा, टेस्ट मेल एट आउटलुक कर लेते हैं, ठीक है, हाई 1223, ठीक है जी, वेलकम टू UITASNS, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ, आप रखना चाह रहे हैं रख लें, और पब्लिश मैसेज, मैंने मैसेज पब्लिश कर दिया जी। अब मुझे क्या है, मेरे दो सब्सक्रिप्शंस ऐड हैं, अब मुझे दो नोटिफिकेशंस आने चाहिए, ठीक है। फर्दर आप अभी आ जाएंगे, देखते हैं एप्लीकेशन में चले जाएँ, कोई क्रिएट प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली जो है वो डेवलपर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये बहुत डिटेल में, अभी डिटेल में हम जा नहीं रहे। ये देखें मुझे एक नोटिफिकेशन आ गया, ये आप देख सकते हैं टेस्ट मेल एट आउटलुक, और अभी एक और भी आना चाहिए, दो मैंने, और दोनों मेरे एक ही ईमेल पर कन्फिगर हुए हुए हैं। सब्सक्रिप्शन आपने देख ली, ठीक है जी, सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बता दिया क्रिएट सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, आप डिलीट करना चाह रहे हैं इसको डिलीट कर दें, या सेक्शन में जाएं डिलीट सब्सक्रिप्शन कर दें वो डिलीट हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे शो होती रहेगी, आफ्टर 3 डेज़ यहाँ से डिलीट होगी। फर्दर आप टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट मैसेज में जाएँ जी, मैंने टेक्स्ट मैंने सेंड अ टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक करें यहाँ पर, और सिंपल यहाँ पर प्रमोशनल टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं या ट्रांजेक्शनल, तो प्रमोशनल करें, और यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करें, यहाँ पे मैं कर चुका हूँ टेस्ट, ठीक है, ये प्रॉपर मैसेज सेंड होता है। अंडर फ्री टायर जो है वो आप 100 मैसेजेस सेंड कर सकते हैं अपने नंबर पे, ठीक है जी, यहाँ आपने मैसेज टाइप करें, सेंडर आईडी कुछ भी टाइप करें, और ये देखें जी दूसरा भी मुझे आ गया, ठीक है, सेकेंड वन, दोनों मुझे आ गए नोटिफिकेशन, क्योंकि उस टॉपिक के अंदर मैंने दो सब्सक्रिप्शन ऐड किए थे और दोनों सब्सक्रिप्शन पर मुझे नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है। तो ये सेंड टेक्स्ट मैसेज है, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ये भी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, मैं भी आप लोगों को शो करवा नहीं सकता स्क्रीन पे, यहाँ पे, यहाँ पर अमेज़ॉन SNS प्राइसिंग में चले जाएं, प्राइसिंग में जाके आप यहाँ पे ये डिटेल देख सकते हैं, लिखा हुआ सारे कितने मोबाइल पुश नोटिफिकेशंस और जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है जी, और पब्लिशेज नोटिफिकेशन डिलीवरीज आपको बता रहा है इसके कितने चार्जेस हैं, ईमेल के कितने चार्जेस हैं जी,
1000 अंडर फ्री टायर आप 1000 ईमेल सेंड कर सकते हैं, अंडर फ्री टायर आप 100 वर्ल्ड वाइड एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। एसक्यूएस पे आप कर सकते हैं, लेमडा फंक्शन पे आप कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। और डाटा ट्रांसफ़र के आपको चार्जेस बता रहा है, कितने डाटा ट्रांसफ़र के चार्जेस होंगे, दिस एंड डेट, ये सारा आप डिटेल से, अब आप ये चीज़ें अब आप देख सकते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। और इसके अलावा चलते हैं जी बैक। तो ये था जी आज का टॉपिक, क्लियर टॉपिक हमने कर लिया। प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया है, लेकिन ये डेवलपर्स मोस्टली यूज़ करते हैं। और क्लियर सब्सक्रिप्शन करना चाह रहे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैसेज पब्लिश करना चाह रहे हैं, और ठीक है जी, मैसेज पब्लिश करना चाह रहे हैं। इसके अलावा आपके पास क्या पब्लिश है, टेक्स्ट मैसेज को पब्लिश करना चाह रहे हैं। ये मैसेज पब्लिश आपका डायरेक्ट पब्लिश हुआ प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट, अगर आपने ईमेल सेंड किया, सिलेक्ट किया हुआ तो ईमेल पे जाएगा, ठीक है जी। और क्रिएट टॉपिक, टॉपिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी क्या करता हूँ, टॉपिक को जो है वो डिलीट कर देता हूँ, दिस एक्शन डिलीट टॉपिक, टॉपिक डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये देखें जी, टॉपिक मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया है। और सब्सक्रिप्शन में दोबारा जाते हैं, वहाँ पे जाके ये देखें, ये अभी भी शो हो रहा है मुझे, तो इनको हम डिलीट सब्सक्रिप्शंस कर देते हैं। ये देखें, डिलीट होगी सब्सक्रिप्शन, और ये सब्सक्रिप्शन भी क्या होगी जी, डिलीट होगी, ठीक है। ये दो तीन रह गई हैं, ये आफ्टर 3 डेज़, अगर इसको भी मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो ये देखें जी मुझे क्या एरर आता है, डिलीट, और ये मुझे कह रहा है पेंडिंग सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी डिलीटेड, अनकन्फर्म्ड, विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 3 डेज़। ये अभी कन्फर्म मैंने नहीं किए हैं, ये जब कन्फर्म अगर नहीं करूँगा तो आफ्टर 3 डेज़ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हमने स्टडी किया है, किस तरह से अगर आप सिंपल नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट करवाना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। और आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।